गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माय सेल्फ विजय सर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका अंतिम पार्ट आज मैं बताने जा रहा हूं। इसी के साथ आज ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा आपका। हमने अपने आप को पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं और बता भी रहा हूं, उम्मीद है कि आप उसे समझ रहे होंगे। तो आज चलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए उसका असर्टिव हम कैसे बनाते हैं या कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रावो, हुर्रा एंड फाई फाई, इन शब्दों का प्रयोग होता है। किसका किसका होता है? ब्रावो, हुर्रा एंड फाई फाई। तो इन शब्दों का जब प्रयोग होगा तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो असर्टिव बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस का असर्टिव के लिए क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है? देखेंगे, पहला है कि पहला बोल रहा है कि ब्रावो प्लस सेंटेंस। अगर ब्रावो प्लस सेंटेंस रहेगा तो आप उसका असर्टिव कैसे बना? तो उसका असर्टिव बनेगा इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ये आपको रूल कह रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। ये जो है इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये किसके बदले में कह रहा है? ब्रावो के बदले में, ठीक। यदि ब्रावो से शुरुआत है सेंटेंस का तो आप क्या लिखेंगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। इसके बाद देखिए, ब्रावो के बाद सेंटेंस है तो दैट के बाद प्लस लिखकर, जो प्लस है प्लस के बाद आपको टोटल सेंटेंस उतार देना, ठीक। दूसरा कहता है हुर्रा प्लस सेंटेंस। तो हुर्रा प्लस सेंटेंस से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसका आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए है इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, दैट के बाद सेंटेंस को लगाना है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट किसके लिए लगाना है? देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट हुर्रा के लिए लगाना है। जैसे ब्रावो के लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट है, उसी प्रकार से हुर्रा के लिए इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक। अब देखिए, फाइव फाइव प्लस सेंटेंस रहेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेंट दैट, क्या लिखना है? इट इज अ मैटर ऑफ कंटेंट दैट, इसके बाद आप सेंटेंस को लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला ब्रावो से एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ब्रावो से है, देखिए ये है आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है? ब्रावो, ब्रावो यू ओन द गोल्ड मेडल। देखिए, ब्रावो यू ओन द गोल्ड मेडल, क्या है? ब्रावो प्लस सेंटेंस देखिए, यू ओन द गोल्ड मेडल, ठीक। तो इसका जब असर्टिव बनेगा, देखेंगे ब्रावो के बदले क्या कह रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, ठीक है? दैट के बाद क्या कर रहा है? दैट के बाद कह रहा है सेंटेंस को लिखना है। तो सेंटेंस देखिए, ब्रावो के बाद कौन है? यू ऑन द गोल्ड मेडल। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां पे यू ऑन द गोल्ड मेडल, ये हो गया आपको ब्रावो से। ब्रावो के बदले में हमने क्या लिखा? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इसके बाद सेंटेंस को लिखना है तो यू ऑन द गोल्ड मेडल। अब आइए हुर्रा से। हुर्रा का जो सेंटेंस है, हुर्रा एच यू डबल आर ई एच, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। इसका असर्टिव बनेगा हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। तो देखिए, हुर्रा से जब शुरुआत होगा
तो आपको क्या करना है, हुर्रा प्लस सेंटेंस रहेगा, तो हुर्रा और सेंटेंस को मिला हुआ है तो इसको लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। देखिए इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, प्लस सेंटेंस, तो सेंटेंस आपका क्या है, हुर्रा के बाद वी हैव वन द मैच, तो आप क्या करेंगे, वी हैव ऑन द मैच। ये आपका दो सेंटेंस हुआ, पहला है ब्रावो से, तो ब्रावो प्लस सेंटेंस रहेगा, उसको करना है इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस दैट। इसके बाद सेंटेंस, तो सेंटेंस था हमारा यू ऑन द गोल्ड मेडल। दूसरा है हुर्रा प्लस सेंटेंस रहेगा, तो उसको करना इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक है। तो यहाँ देखिए हुर्रा प्लस सेंटेंस है, तो हुर्रा के बदले इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट कर दिए। इसके बाद वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच हो गया। अब आता है तीसरा, फाइव फाइव प्लस सेंटेंस, तो इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो फाइव फाइव प्लस सेंटेंस को किसमें बदलना है आपको, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेंप्ट दैट, इसके बाद आप सेंटेंस को लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। इसके विपरीत आप चलते हुए असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है असर्टिव में इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, तो ये क्या हो गया, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, ये किसमें लगता है, हुर्रा वाला में लगता है। तो आप क्या करेंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच कर दीजिएगा। मतलब इसके विपरीत चलते हुए एक्सक्लेमेटरी से, जैसे आप असर्टिव बना लिए तो उसी के विपरीत चलते हुए असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो आज का टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, और आज का ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आप इसे बनाएं होमवर्क के तौर पे, हम आपको होमवर्क सेंड करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।